तो आज हम पढ़ेंगे कार्टेज फ्यूज के बारे में। फ्यूज होता क्या है पहले जानेंगे, फिर कार्टेज फ्यूज वर्क कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। डायग्राम की सहायता से अच्छे से इसके बारे में हम विधिवत डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि फ्यूज होता क्या है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो किसी परिपथ को सुरक्षा युक्त प्रदान करता है। क्या करता है, जैसे कोई सर्किट हो गया उसमें यदि धारा का मान हीट होता है, धारा का मान वृद्ध होता है, तो वह सर्किट जलने की उसमें संभावना बन जाती है। कोई भी कंडक्टर हो गया, चालक हो गया, उसके ऊपर इंसुलेटर भी लगे होते हैं जिसके वजह से हीट होने की वजह से वो जल भी सकते हैं और उसके जलने से घरों में और भवनों में आग भी लग सकती है। उसी से बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ पता हो गया कि फ्यूज होता क्या है। अब हम देखेंगे कार्टेज फ्यूज के बारे में, कार्टेज फ्यूज क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जो कार्टेज फ्यूज होता है इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पास अचालक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, अचालक पदार्थ भरा होता है इस, हाँ अचालक पाउडर वही चीज। ठीक ना, ये कौन सा फ्यूज है, कार्ट्रिज फ्यूज है। ये जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है यह पोर्सिलिन का बना होता है और कांच का भी बना होता है। जब इसको बनाया जाता है तो बनाने के दौरान क्या करते हैं, इसको इसके अंदर मान लीजिए ये जैसे मेरा मार्कर हो गया, सेम इसी प्रकार इतना बड़ा हो गया, कोई कांच हो गया या पोर्सिलिन हो गया, जब इसमें हम कांच को बना रहे हैं तो बनाने के दौरान इसके अंदर जो गैस भरी होती है उसको निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। अब निकाल क्यों दिया जाता है, इसका रीज़न क्या है, चूँकि इसके अंदर जो गैस रहेगी उसमें नमी होती है, नमी इसको प्रभावित कर सकती है, उसको कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगी पूर्ण रूप से, इसलिए गैस ही जो अपने वातावरण में फैली हुई है इसमें मिश्रित गैस कह सकते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है जिससे वह प्रभावित ना हो। अब इसके अंदर तो भरा क्या होता है, इसके अंदर तीन चीज़ें भरी होती हैं। पहला तो इसमें कंडक्टर हो गया, एक चालक तार होता है, दूसरी चीज़ इसमें अचालक पाउडर होता है और तीसरी चीज़ इसमें कागज़ का टुकड़ा होता है। ठीक, तीन चीज़ें होती हैं। अब इसका काम क्या होने वाला है, ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझते हैं। इसमें जो चालक तार है वो होता है तांबे और टिन का मिश्र से बना हुआ तार। जो तांबे की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 63% होती है, और इसमें जो 37% होती है वो किसका होता है, टिन का मात्रा होता है। इन्हीं दो मिश्र से बने धातु के तार को हम इस कांच के बने फ्यूज के अंदर फिक्स कर देते हैं। ये क्या करता है, जब धारा की हीटिंग होती है तो उसमें गर्म होकर टूट जाता है, अर्थात ये जल जाता है। अब इस चीज़ को पता हम कैसे लगाएंगे, तो इसका सलूशन ये है कि जो हम इसमें कागज़ डाले हैं वो कागज़ ही हमको संकेत करेगा। वो कैसे, जब यह फ्यूज गर्म होके जल जाएगा, हीट होगा, तो उसके अंदर जो कागज़ डाला हुआ है वो हीट हो जाएगा और जल के ख़राब हो जाएगा, मतलब वो फ्यूज ख़राब कर देगा, और उसके अंदर जब जलेगा तो काला काला धुआं जैसे रह जाएगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो फ्यूज क्या हो गया, वो जल के नष्ट हो गया। अब जब आग लगेगी, कागज़ जलेगा, तो उसमें कुछ स्पार्क भी हो गए, स्पार्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें अचालक पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पास जो तीसरा नंबर में था, तीन चीज़ हमने इसके अंदर डाला था, पहला था, तीसरा नंबर में अचालक पाउडर। अचालक पाउडर यहाँ पास क्या करेगा, वो स्पार्क को कम करेगा जिससे वहाँ पास आग लगने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। तो ये फ्यूज होता है, कौन सा फ्यूज, कार्टेज फ्यूज के अंदर ये सारी विशेषताएँ होती है। ये कितने एम्पियर तक के कार्य करते हैं, ये जो कार्टेज फ्यूज होता है यह फ्यूज 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक के धारा रेटिंग के लिए यह कार्य किया जाता है। इसका कार्य कितना होता है, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक की रेटिंग क्षमता में यह कार्य करता है। अब जो कार्टेज फ्यूज है
इसके अंदर एक थोड़ा गहराई में जाएं तो इसके अंदर जो होता है फ्यूज, इसी का भाग एक होता है डी प्रकार का फ्यूज। वो डी प्रकार का फ्यूज भी एक कार्टिज फ्यूज का ही भाग होता है, जो इसका उपयोग डी प्रकार के फ्यूज का उपयोग कहाँ करते हैं, मशीन में करते हैं। जो मशीन होती है उसमें डी प्रकार के फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब इसमें जो फिक्स करने की क्रिया होती है तो उसको हम प्रैक्टिकल रूप में दिखाते हैं कैसे फिक्स किया जाता है इसको। ये हो गया कार्टिज फ्यूज, इसको क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या इलेक्ट्रिशियन परिपथ में, कई परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। ये कांच के अंदर कुछ इस प्रकार से बना होता है। अब इसके अंदर आपको दिखेगा नहीं उसमें, लेकिन बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक वायर होता है और इसके अंदर ही एक कागज़ का टुकड़ा होता है और इसी के अंदर अचारक पदार्थ होता है, यही कार्टिज फ्यूज है। इसको क्या करते हैं, इस बैकेलाइट के कवर में फिक्स कर दिया जाता है और इसके बगल में क्या होता है, धात्विक कवच लगे होते हैं जिससे टर्मिनल पॉइंट फिक्स हो जाते हैं और यह पूरी तरह से कार्य करने लगता है। तो यह प्रैक्टिकल रूप में हमने देख भी लिया कि कार्टिज फ्यूज होता क्या है और इसके बारे में पूरी चीज़ें हमने समझ लिया। सो थैंक्स, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।